गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। आज हम देखेंगे प्रॉफिट लॉस। तो सबसे पहले उसके समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है। देखिए, प्रॉफिट लॉस में चार चीजों की ज्यादातर जरूरत पड़ती है। एक तो क्या है, क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य क्या होता है, हम दुकानदार के पास गए, उससे हमने कोई वस्तु क्रय की यानी खरीदी, तो वो क्या होता है, खरीदना। जब कोई वस्तु खरीदी जाती है तो वह क्रय मूल्य कहलाती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, अगर आपके पास कोई वस्तु है, आप किसी को बेच रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब समझिए, जैसे अगर आपने कोई वस्तु खरीदी, जब उसको आप बेचोगे, या तो लाभ पे बेचोगे या फिर हानि पर। ठीक है, तो अगर आप लाभ पर बेचोगे तो आपको क्या होगा, लाभ, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो दो चीजें और रहती हैं इसमें, लाभ और हानि, बस यही पढ़ना है अपन को। और अगर अपन ने कम पे बेची तो वो क्या होगा, अपन को लॉस होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, लॉस। ठीक है, अब लाभ कब होगा, देखो, तो लाभ का फॉर्मूला कैसा होगा, आपने कोई वस्तु खरीदी, अगर उसको ज्यादा में बेच रहे हो, तो जितना जितना ज्यादा में बेचोगे वो क्या होगा, लाभ। तो कैसे निकालोगे इसको, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ कैसे निकालोगे, जो विक्रय मूल्य है, जैसे अपन ने 120 रुपए की बेच दी और अपन ने खरीदी कितने की थी, 100 रुपए की, तो अपन को लाभ कितना हो जाएगा, 20 रुपए। दिख रहे हैं कहीं, ठीक है ना, 120 रुपए की बेची और खरीदी थी 100 रुपए की, तो लाभ कितना होगा, 20 रुपए। इस तरह से ये लाभ निकाल। हानि कैसे निकालोगे, देखो, हानि अगर लिखा, हानि कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला लिख लो पहले, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास किसी वस्तु को आपने 100 रुपए में खरीदा, लेकिन अपन उसको बेच कितने में रहे हैं, 80 रुपए में बेचा माना, तो हानि होगी कि नहीं होगी, मतलब ज्यादा में खरीदी और कम में बेचोगे तो हानि होगी, अगर ज्यादा में बेचते तो लाभ होता, तो यहाँ पर 20 रुपए का क्या होगा, हानि। ठीक है, तो ये है चारों डेफिनेशन, और उसके बाद अपन देखते हैं इसके कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो, अगर आपको प्रॉफिट लॉस सीखना है तो आपको परसेंटेज आना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में पूरी की पूरी परसेंटेज यूज होती है। तो आप पहले परसेंटेज के वीडियो देख लेना, उसके बाद ये सब देखना। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे लाभ है, लाभ का अपन को क्या निकालना है, प्रतिशत। तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालोगे, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट में SP बोलते हैं, इसको शॉर्ट में CP बोलते हैं। तो अपन इसको सीधा लिख सकते हैं, SP माइनस CP, और बटे में क्या होगा, CP। CP क्यों होगा, क्योंकि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। ठीक है, अगर लाभ होगा तो भी क्रय मूल्य पर होगा, हानि होगी तो भी क्रय मूल्य पर होगी। इसी तरह से अपन को हानि का प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्या होगा, क्रय मूल्य। नीचे क्रय मूल्य ही रहेगा, क्योंकि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे अगर आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हुआ, 100 रुपए, और अगर आपने उसको कितने में बेच दिया, 150 रुपए में, तो ये क्या हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य। तो वो बोलेगा लाभ बताइए, तो लाभ क्या होगा, लाभ होगा 150 माइनस 100 यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ कितना निकलेगा, 50 रुपए। लेकिन अगर उसने लाभ की जगह बोल दिया के लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, SP माइनस CP, और नीचे क्या आएगा, CP गुणे 100। SP कितना है अपना, 150 माइनस 100 बटे 100 गुणे 100, तो ये क्या होगा, देखो ये जीव 100 से 100 कट जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा, 50। तो लाभ प्रतिशत भी कितना होगा, 50%, ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत। ठीक है,
देखो अगला देखते हैं। जैसे यदि किसी वस्तु को आपने 1000 रुपए में खरीदा, कितने में खरीदा? 1000 रुपए में, तो ये इसका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और बेचा कितने में? माना कि अपन ने इसको बेचा 750 रुपए, ठीक है। कितने में बेचा? 750 रुपए में। तो देखो क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि होगी। तो हानि बराबर क्या होता है? हानि का फॉर्मूला लगाओगे तो हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक। तो यहां क्या आ जाएगा? 1000 माइनस 750, तो हानि कितने की हुई अपन को? 250 रुपए की, ठीक है। हानि अगर पूछे अकेला तो इतना करना है, लेकिन अगर हानि प्रतिशत पूछे तो क्या करोगे? हानि प्रतिशत का अलग फॉर्मूला है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्या होगा? 1000 माइनस 750, और बटे में क्या होगा? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? 750 गुणे 100, इसको घटा दो कितना बचेगा? 250 बटे 750 गुणे 100, ये जीरो से जीरो काटो, 25 से एक काटोगे तो 3, कितना आ जाएगा? 100/3। अब आपको मैंने परसेंटेज में पढ़ाया था, इसको बोलते हैं 33.1%, ठीक है। तो टोटल हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा? हानि का प्रतिशत होगा 33.1/3%। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक वस्तु को 1000 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। उन्हें क्रय मूल्य दे दिया है और लाभ दे दिया, कितना लाभ हो रहा है? 20%, और उसका विक्रय मूल्य निकालना है। देखो क्रय मूल्य को अपन कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, सीपी बराबर 1000 लिख लो, और प्रॉफिट यानी लाभ कितना दिया है? 20%, तो विक्रय मूल्य निकालना है। देखो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य अगर 1000 है तो ये अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा, और अगर अपन को 20% लाभ चाहिए तो अपन को 120% निकालना होगा कि नहीं। तो 1000 का जो 120% है वो इसका विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। इसको काट दो तो क्या आ जाएगा? 1200 क्या आ गया? इसका विक्रय मूल्य। अगर वो बोलता 30% लाभ तो अपन 1000 का क्या निकाल लेते? 130%। अगर वो बोलता 10% हानि, देखो ये काट दो तो क्या आ जाएगा? 1300। अगर वो बोलता 10% हानि पर बेचा तो कितना बचता? 90%, ठीक है ना। मतलब वो जितना भी लाभ या हानि बोले उसको 100 में से घटा दो, ठीक है। अगर वो बोले 25% हानि पर बेचा, 1000 रुपए कोई वस्तु है उसको 25% हानि पर बेचा, तो कितना बचा? 75% बचा ना वो, तो ये काट दो तो ये कितना आ जाएगा? 750। इस तरह से आपको क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 3000 रुपए में खरीद कर 25% हानि पर बेचा गया, ठीक है। इस बार हानि हो रही है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो क्रय मूल्य कितना दिया है? 3000, और हानि कितनी हो रही है? 25%। देखो 3000 अपने आप में 100% है, अब 25% हानि हो रही है तो 3000 का 75% बचेगा जो उसका विक्रय मूल्य होगा, तो आपको विक्रय मूल्य ही निकालना है। तो एसपी क्या होगा? 3000 का देखो 25% कम हो जाएंगे 100 में से, तो कितने बचेंगे? 75%। काट दो इसको और गुणा कर दो बस 30 का 75 में, तो क्या आएगा? 0, 5, 21 और 22, तो इसका एसपी कितना आ जाएगा? 2250। तो ये था हमारा आज का प्रॉफिट लॉस का पहला वीडियो। आपको आगे भी 2 से 3 वीडियो और मिलेंगे प्रॉफिट लॉस के, जिसमें हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूनिक अकेडमी।